let us reconquer domain and reach out. हम अगर बात करें tan, तो tan जो है हमारा that is sine upon cos. Sine upon cos दिया upon में और cos में 90 जो है आपकी वैल्यू तो क्या होती है zero. यानी कि अगर यहाँ पे cos 90 आ जाता है या 90 का कोई मल्टीपल आता है तो आपका जो फंक्शन है अगर हम tan के टर्म्स में लेके चलते हैं तो वो आपका फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा. तो उस केस को अवॉइड जब आप tan x के लिए चलते हो तो tan x का जो रूट है ऑल रियल नंबर x है मल्टीपल ऑफ 5/2 और n जो है वो आपका बिलोंग करता है एनी जो है इंटीजर n बिलोंग्स टू इंटीजर. सेम वे में जब आप cot के लिए चलते हो तो that is cos upon sin जो है आपका वो 5 के ऊपर अगर हम देखें तो sin 5 के ऊपर हमारा जो है ना सर्कल हो जाएगा रेंज ओपन आएगी जो आपका रेंज आता है दैट इज कॉल्ड अब सी. जब हम सीकेंट की बात सीकेंट एक्स के लिए आपका जो कॉस में डिनोमिनेटर में आता है तो अगेन 90 के ऊपर जो है वो आपका पॉसिबली जो टर्म है दैट इज नॉट डिफाइंड. जबकि आपका 90 वाला केस लेके चलोगे तो जो आप सीकेंट का लिखोगे दैट विल बी सेम एज सीकेंट और टैन का जो आपका यहाँ पे आप मान लेंगे आपने कि जो इनका रेंज सीकेंट का जो रेंज है वो माइनस वन से वन जिससे कि फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन माइनस यूनियन वन टू सेम पे कॉसेक वन में भी चलते हैं कॉसेक वन के अलावा में साइन आ रहा है तो मैं तो ये आपका पी रेशियोज का डोमेन एंड रेंज है ये आपको पता होना चाहिए. इनपे बेस्ड आपके जो वन मार्क के क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं. आपका पैटर्न जो है सेम रहेगा जो आपको सेंड किया गया था. अदरवाइज यू नो कि प्लस टू के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बट फॉर प्लस वन जो हमारा प्रीवियस पैटर्न था वी आर फॉलोइंग दैट ओनली अंटिल जब तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आपने अपना जो प्रीवियसली जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे सेम पे भी आपका पेपर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. Objective may will be having your MCQs, fill-ups, true, false, or counting of the answer. Now the next question we are having. Okay, many of them, the question is after you say to the answer, let us know. और मुझे वैल्यू निकालनी है तो बच्चे आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी. एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मुझे टू गिवन है
and I have to find out the value of sin square theta plus cos x square theta. देखो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स वन भी निकलने स्क्वायर्स की मुझे वैल्यू निकालनी है तो व्हाट टू डू यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन यस अमिश विल यू ट्राई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टू गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है तो व्हाट कैन वी डू If you are having any doubt regarding any chapter, you can ask. Okay, यहाँ हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया सो वी विल बी हैविंग साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉसेक थीटा टू ए बी एंड दिस इज इक्वल टू फोर नाउ वी आर हैविंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया आपका टू साइन थीटा And cosec theta, you know that is 1 upon sin theta. ये आपका cancel out होके plus 2 रह जाएगा. Plus 2 को आप right hand side पे लेके जाएंगे. So this will be sin square theta plus cosec square theta is equal to 4 minus 2, that is 2. तो आपकी जो value आपको निकालनी थी, that was equal to 2. तो इस question में जरूरी नहीं है यहाँ पे आपके पास 2 आएगा. ये 2 आपकी value जो है वो change होके कोई भी value यहाँ पे आ सकती है. लेफ्ट हैंड साइड आपकी हर केस में सेम रहेगी यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू गिवन होगी उसके स्क्वायर में से आपको 2 माइनस करना है तो इस केस के क्वेश्चंस में अगर ये आपको 1 मार्क में आता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर आप डायरेक्ट आंसर किस तरीके से लिखोगे जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका स्क्वायर माइनस 2 ये वाला जो प्लस 2 है आपका उसमें से माइनस कर दोगे तो स्क्वायर माइनस 2 विल गिव यू द डायरेक्ट आंसर Now moving on to the next question. अब next question में हमें given है, if f of x is equal to cos square x plus secant square x. इसके लिए आपको पहले एक concept समझना पड़ेगा, arithmetic mean और geometric mean का. Arithmetic mean तो you know कि अगर मुझे दो numbers जो हैं a और b given है, तो उनका sum by 2 होता है, a plus b by 2. This is a mean, arithmetic mean. एक जो है नेक्स्ट इसमें आपका कंसेप्ट है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जब हमें निकालना है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी तो उसके लिए क्या हम करते हैं उनका प्रोडक्ट अंडर द रूट तो जब भी किन्हीं दो नंबर्स का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है उनका प्रोडक्ट अंडर द रूट और ए एम जो है जो अरिथमेटिक मीन है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है आपका बड़ा होता है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है अगेन एग्जाम्पलर का ही है ये क्वेश्चन आपका आई एम गिवन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स देन ऑप्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2 या एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अब जो दो नंबर्स जो मुझे फंक्शन गिवन है मुझे दैट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस secant स्क्वायर एक्स अब मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को चेक करना है तो इसके लिए हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन होता है बिटवीन टू नंबर्स दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन तो अरिथमेटिक मीन में ये दोनों टर्म्स ले लूंगी secant स्क्वायर एंड cos स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन मीन्स दोनों का सम बाय 2 So this is cos square x plus secant square x by 2. This is always greater than or equal to. यहाँ पे equal to का भी sign है. This is greater than or equal to root a into b. अब cos और secant जो हैं ये मुझे पता है एक दूसरे के reciprocal हैं. तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के reciprocal हैं तो यहाँ पे जो ये वाला result है मेरा ये क्या बन जाएगा 1. तो
आई विल बी हैविंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टू मैं इधर ले गई ट्वाइस और ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया यहाँ पे वन. तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ ऑफ एक्स को, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तो ये मेरी ऑप्शन फोर है. यहाँ पे मुझे दो टर्म्स गिवन थी, कॉस स्क्वायर एक्स और सेकेंट स्क्वायर एक्स. मुझे ये पता है कि अगर एक को मैं ए मानती हूँ दूसरे को मैं बी मानती हूँ तो सम जो है दोनों का बाई टू दैट गिव्स मी द अरिथमेटिक मीन, उनका प्रोडक्ट अंडर द रूफ इज द ज्योमेट्रिक मीन, और किन्ही दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमने यूज किया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, अरिथमेटिक मीन लिया, देन रूट ए बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंट स्क्वायर एक्स अंडर द रूट, ये हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया. कॉस और सेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट होके वन आ गया. ये टू मैं उधर लेके गई तो टू इंटू वन इज टू, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू टू. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ ऑफ एक्स को. तो एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में मुझे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 19 पाई बाय 3. टेन ये भी आप बताओगे मुझे, टेन 19 पाई बाय 3 हाउ टू डू. इसको रीराइट करना पड़ेगा मुझे, कैसे रीराइट करेंगे. एनी वन ऑफ यू 19 पाई बाय 3 को मुझे पाई प्लस या 2 पाई माइनस या समथिंग एल्स की फॉर्म में लिखना है तो हाउ आई विल राइट आउट. आपको मैंने सिंपली बताया हुआ है 10 6 1 by 3 pi. हाँ जी 10 6 1 by 3 pi 6 pi + π/3. आप इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ वन रिमाइंडर आएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज, सिक्स क्वेश्चन था तो दिस कैन बी रिटन एज 6 pi + π/3. अब 6 pi यानी कि ये आपका इवन मल्टीपल है पाई बाय टू का. अगर आप देखें तो टेन के साथ इवन मल्टीपल है, आप 6 pi को अगर चेक करोगे तो ये 2 pi आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ गए आप यहाँ पे, दिस इज 4 pi, दिस इज 6 pi और उसमें आप प्लस कर रहे हो पाई बाय 3, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए. आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव और यहाँ पे क्योंकि ये इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का तो 10 का 10 ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज. 6 pi + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा एंड दिस इज 10 π/3. 10 π/3 इज 10 60 degree जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है √3. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट है इसी वे में हमारे पास cosec ऑफ -19 π/3. पहले तो ये नेगेटिव साइन आ गया आपका, तो नेगेटिव साइन को हमने क्या करना है, नेगेटिव साइन को हमने बाहर ले आना है. cosec ऑफ -x आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -cosec x. तो -cosec x लिख के बाकी आगे आपका बिल्कुल सेम वे में आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर. दिस इज 19 π/3. 19 π/3 को अगेन हमने लिख लिया 6 pi + π/3. 19 टू इवन तो cosec में कोई चेंज नहीं होगा आपका, नेगेटिव साइन भी एज इट इज रहेगा. 6 pi + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका पॉजिटिव रहा प्लस इनटू ये वाला माइनस माइनस आ गया एंड द एंगल थीटा आपका एज इट इज, दिस इज cosec π/3. cosec π/3 यानी कि cosec 60 degree दैट इज 2/√3. ये वाला नेगेटिव साइन एज इट इज लगेगा तो योर आंसर इज -2/√3. सो ये वाला हो गया आपका क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें गिवन है वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक्स
साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा. साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा. हाँ जी, एनी वन ऑफ यू. कैसे करेंगे? साइन 45 प्लस थीटा साइन ऑफ ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है. कॉस 45 माइनस थीटा कॉस ऑफ ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है. हाउ टू डू? फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द क्वेश्चन. साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी फॉर्मूला लगाइए जल्दी से एंड सिंप्लीफाई एंड टेल मी द आंसर क्विकली. बी क्विक. हरी अप. साइन ऑफ ए प्लस बी जीरो. यस जीरो. साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला लगाया आपने? हैव यू डन इन दिस वे और कॉस को साइन में कन्वर्ट किया? दोनों तरीके से कर सकते हो आप. साइन 45 डिग्री कॉस थीटा. ओके, क्या फॉर्मूला लगा आपका? व्हाट इज दिस इक्वल टू? साइन 5 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बच्चे, स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर. साइन 5 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 45 डिग्री साइन थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री. साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी. Then we are having negative sign over here. Cos of A minus B. That is cos A cos B plus sin A sin B. तो ये हो जाएगा आपका minus cos 45 cos theta. क्योंकि बाहर negative sign है तो signs change हो गए इसके. This is sin 45 and sin theta. Now the next. Sin 45 cos 45 replace कर दो 1 by root 2 से. So this is 1 by root 2 cos theta. This is 1 by root 2 sin theta. This is minus 1 by root 2 cos theta. This is 1 by root 2 sin theta. Is there any mistake in this? Then quickly tell. यहाँ क्या mistake है? You can tell. मैम last term में minus. हाँ जी. लास्ट टर्म में माइनस आए. लास्ट स्टेप हम लास्ट टर्म में माइनस साइन माइनस 1 बाय रूट साइन थीटा आएगा. हियर यू आर सेइंग यहां एक मिस्टेक है, जल्दी से बताओ कहां और क्या. सेकेंड स्टेप में आई हैव मेड वन मिस्टेक. ओके, इस वाले माइनस वन. यस, यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्योंकि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो ये दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी. तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन है. अब आपकी ये सभी टर्म्स कैंसल आउट हो रही है. 1 by root 2, 1 by root 2 plus or minus का sin था with cos theta. यहाँ पे भी this is 1 by root 2 sin theta minus 1 by root 2 sin theta. So this is equal to 0. तो formulae जो हैं वो ध्यान से apply करने हैं आपने. और again and again I am telling you people that shortcuts मत मारना. अपना जो भी question है वो पूरा proper way में करोगे, then only you will be able to do that. अब next जो type है, मैं जो book एक्स्ट्रा करवाई थी मैंने आपको वही टाइप्स में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि बुक में आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं. सो आई एम टेकिंग दिस. इफ टैन ए इज इक्वल टू के टैन बीटा. कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज हो रहा है इसमें आपका. इफ टैन ए इज इक्वल टू के टैन बीटा. Then show that sine of A plus B is equal to K plus 1 upon
माइनस वन इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी ये मुझे शो करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, दो तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे इसको करने के। पहला तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां से हमारी रिड्यूस हो जाएगी। या फिर आप उधर जो है टेन ए अपॉन टेन बी की फॉर्म में लेके उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो। दैट मेथड जो है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो व्हाट वी विल डू, हम इसको जो है के की फॉर्म में पुट करेंगे। सो फ्रॉम हियर वी विल बी हैविंग टेन ए अपॉन टेन बी इज इक्वल टू के। अब ये के की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो आर एच एस के प्लस वन यानी कि टेन ए अपॉन टेन बी प्लस वन अपॉन, थैंक यू, टेन ए अपॉन टेन बी माइनस वन के प्लस वन। के को रिप्लेस किया मैंने टेन ए अपॉन टेन बी प्लस वन आ गया यहाँ पे, ये स्टेप आ गया, और डिनोमिनेटर में आई वॉज हैविंग के माइनस वन, तो ये हो गया टेन ए अपॉन टेन बी माइनस वन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साथ में साइन ऑफ ए माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन बी, ये न्यूमिरेटर है, और डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग टेन ए माइनस टेन बी अगेन अपॉन में टेन बी, एंड हियर अगेन साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पे बेटे टेन ए टेन बी आपका फिर से कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये चीज आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है अगेन, क्योंकि यहाँ पे साइन की टर्म्स में है मेरा आंसर भी, मुझे साइन की टर्म्स में चाहिए, तो इस टेन ए और टेन बी को हम क्या करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, देन एलसीएम ले लेंगे एंड देन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग साइन ए, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ टेन ए प्लस टेन बी को, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन में टेन ए माइनस टेन बी को कन्वर्ट किया मैंने, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी एज। अब अगेन एलसीएम लोगे, टर्म्स आपकी साइन ऑफ ए प्लस बी वाला और साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज होगा, कैंसिलेशन करने के बाद यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ जब हमने यूज किया, सो दिस इज साइन ए कॉस ए कॉस बी आपका एलसीएम आ गया, साइन ए इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्योंकि जो आपका एलसीएम है वो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। सेम वे में डिनोमिनेटर अगेन द एलसीएम विल बी कॉस ए कॉस बी, एंड हियर वी आर हैविंग साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपकी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। नाउ इफ यू सी दिस फॉर्मूला, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में इफ यू सी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये जो है यहाँ पे साथ में आपका प्रोडक्ट ये वाला एज इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस वॉज माइनस, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, this is minus sine of a minus b। अब sine of a minus b, sine of a minus b आपका cancel out हो जाएगा, and you are left with sine of a plus b which is your left answer। आप चाहो तो इसको यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो भी यूज कर सकते हो, ये अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं आपको पता तो दिस इज अ वे, अदरवाइज जब आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करना है तो व्हाट यू विल डू, पहले ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से भी करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेन ए अपॉन टेन बी इक्वल टू के ले लिया, के की वैल्यू राइट हैंड साइड में रिप्लेस की, ये बन गया आपका टेन ए अपॉन टेन बी प्लस वन टेन ए अपॉन टेन बी माइनस वन। यहाँ से आगे आपके पास टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन बी
यहाँ आ गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन टेन बी, डिनोमिनेटर सेम थे कैंसल आउट किए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी एज इट इज चलता जाएगा। देन टेन की वाली टर्म्स को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे एलसीएम लेके फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कैंसिलेशन हो रही थी कैंसिलेशन की, एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर आप इसको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से करना चाहते हो तो हमने ये चीज ली। अब ये के अपॉन वन हम लिख सकते हैं, तो अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो व्हाट वी विल बी हैविंग टेन ए प्लस सेम चीज आ जाएगी हमारे पास जो यहाँ डिनोमिनेटर में बताती है, दिस इज टेन ए माइनस टेन बी राइट हैंड साइड पे के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अब यहाँ पे अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे हम इनको सेम वे में जैसे यहाँ पे किया था साइन और कॉस की टर्म्स में लिख लेंगे। सो दिस विल बी साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन में साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी और ये एज इट इज चलेगा के प्लस वन इंटू के माइनस वन। दोबारा देख लो इसको, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, जब हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन होता है तो व्हाट वी यूज टू डू, जो हमारा कंपोनेंटो होता है इट मींस न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पे टेन ए न्यूमिनेटर था टेन बी डिनोमिनेटर था, लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक करो न्यूमिनेटर में क्या रिप्लेस करना है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो टेन ए प्लस टेन बी और डिनोमिनेटर में टेन ए माइनस टेन बी। सेम वे में न्यूमिनेटर यहाँ मेरे पास के था डिनोमिनेटर वन था तो के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। उसके बाद टेन वाली टर्म्स जो है वो मैंने रिप्लेस कर दी साइन और कॉस के साथ। अब अगेन यहाँ पे सेम वे में हम ये एलसीएम लेंगे, इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन एज इट इज। ये हमने इस स्टेप से आगे ये स्टेप एलसीएम लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू के प्लस वन इंटू के माइनस वन। ये साइन ऑफ ए माइनस बी आप इधर ले जाओगे तो यू विल गेट दिस सेम आंसर, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ये आप इधर ले आए, ये क्या बन गया आपका साइन ऑफ के माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वी विल डू। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू के साइन बीटा, पहला ये हमने टैन की टर्म्स में किया है, अब हमें साइन की टर्म्स में गिवन है, दैट वी विल डू। इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर डाउट्स एंड आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। अब हमें गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू के टाइम्स साइन बीटा, वी आर टू प्रूव दैट टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू is equal to k minus 1 upon k plus 1 into tan of alpha plus beta by 2. सेम वे में हम करेंगे इसको, ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है, सो आई विल टेक दिस sin alpha इक्वल टू k टाइम्स sin beta. That can be written as sin alpha upon sin beta equal to k. So same way में हम यहाँ पे apply करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, या आप यहाँ से k की value इसमें भी put करके same way में proceed कर सकते हैं, जैसे आपको convenient लगे in the same way you can do by applying कंपोनेंडो and dividendo. So this is sin alpha plus sin beta, numerator में इनका sum और denominator में इनका difference. Here also in the numerator sum and denominator difference. अब यहाँ पे हमारा formula बन रहा है sin c plus sin d.
दैट इज टू साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय टू कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी दैट इज टू कॉस सम ऑफ द एंगल्स बाय टू साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू. सो ये हो गया आपका टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू सम ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय टू एंड दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू अपॉन में उल्टा हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी है तो दैट विल बी टू कॉस सम ऑफ द एंगल्स बाय टू एंड साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू एंड के प्लस वन के माइनस वन एज इट इज. अब यहां आपका टू और टू ये कैंसल आउट हो गया. साइन अपॉन कॉस ये दोनों एंगल्स यहाँ पे सेम है. साइन अपॉन कॉस इज टैन. एंड यहां अगर मैं इसको लू तो साइन डिनोमिनेटर में कॉस यहाँ पे तो दिस इज टैन अल्फा माइनस बीटा बाय टू दिस इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू के माइनस वन. अब देखो मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू को एक तरफ रखना है और k वाली जो टर्म्स हैं वो टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू से मल्टीप्लाई करनी है. तो हम क्या करेंगे इस अकेली टर्म को उधर ले जाते हैं और इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं तो वी विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो हमारे पास टेन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इधर ऑलरेडी है. अब जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा के माइनस वन अपॉन के प्लस वन और इसको उधर लेके जाएंगे तो दिस विल बी टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू. नाउ सी दिस टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू दिस इज इक्वल टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू. तो यही रिजल्ट मुझे प्रूव करना था. सो दिस आई हैव प्रूव यूजिंग द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. अदरवाइज कंपोनेंटो डिविडेंडो का कंसेप्ट अगर आपको नहीं ध्यान में रहता तो वॉट यू कैन डू आप साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू के ले लो. ये वैल्यू आप यहाँ पे के माइनस वन अपॉन के प्लस वन में पुट कर दो देन इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो जैसे प्रीवियसली आपको मैंने करवाया था एंड देन यू विल गेट योर आंसर. या फिर आप इस तरीके से कर लो वट एवर मैथड इज कन्वीनियंट टू यू यू कैन डू इन दैट वे. सो एज द टाइम इज ओवर सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क.